श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियाँ। सारी विद्या शरीर में विद्यमान है। मैं मर्जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जा में वस्तु अनेक। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में संथाल परगना है, वहाँ के एक व्यक्ति काम के सिलसिले में असम गए। वहाँ जमीन सस्ती थी और उपजाऊ थी, जबकि संथाल परगना की जमीन पथरीली और अनुपजाऊ। अंतह वे वापस आकर यहाँ की जमीन बेच दिए और असम में जमीन लेकर बस गए। उनके कहने पर उस गांव के लगभग सारे लोग धीरे धीरे यहाँ की जमीन बेचकर वहीं बस गए। वे लोग पीढ़ी पूर्व से दीक्षित थे, उनका कुप्पाघाट आश्रम आना जाना होता रहता था। एक बार उन लोगों ने गुरु महाराज से आग्रह किया कि गुरुदेव जब यहाँ थे तो परिवार के सभी लोग हुजूर के दर्शनार्थ आ जाते थे, पर वहाँ से सब लोगों का आना संभव नहीं है। अतः हम लोगों की इच्छा है कि हुजूर का भी एक बार वहाँ पदार्पण हो। गुरु महाराज तो अपने सुख की प्रवाह नहीं करते थे, कैसा भी स्थान हो सुख या दुख का ख्याल न करके खुशी खुशी स्वीकृति दे देते थे। गुरु महाराज जब असम पहुँचे तो वहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग भी गुरु महाराज का नाम सुनकर ही उनके दर्शनार्थ झुंड के झुंड झुंड आ गए। गुरु महाराज में आकर्षण ही इतना था कि लोग चुंबक की तरह खींचे चले आते थे। गुरु महाराज जब झारखंड की तरफ सत्संग में जाते थे तो लौटते समय सड़क पर अगर थोड़ी देर लघुशंका के लिए गाड़ी रुकवाते तो पता नहीं कैसे लोग जान जाते थे। सड़क की दोनों ओर झुंड के झुंड आकर लोग खड़े हो जाते थे। अगर गाड़ी चलने लगती तो ड्राइवर से कहते थोड़ा सा रुक जाइए, वे लोग भी आ रहे हैं, दर्शन नहीं कर पाएंगे तो बड़ा पश्चाताप होगा। ऐसा चुंबकीय आकर्षण था गुरु महाराज में। मैं कह रहा था कि स्थानीय बहुत से संथाली लोग भी तुरंत जमा हो गए। वहाँ के आयोजक ने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर ये लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते समझते हैं, इनकी अपनी भाषा अलग है, पर बंगाल के समीप सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते कुछ कुछ बंगला बोलते और समझते हैं। अगर बंगला में हुजूर का प्रवचन होता तो बड़ा अच्छा होता। तब गुरु महाराज ने पूज्य संत सेवी जी महाराज से कहा, संत सेवी आप तो बंगला जानते हैं, थोड़ा इन लोगों को समझा दीजिए। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं थोड़ा सा सीख लिया हूँ, लेकिन संत मत की सभी बातें बंगला में समझा सकूं यह मुझसे संभव नहीं है। गुरु महाराज ने कहा तब माइक मेरे पास दीजिए, मैं ही बोलता हूँ। उस समय मेरे मन में हुआ जब पूज्य बाबा हिंदी में ही कहेंगे, इसलिए गुरु महाराज की मौज हो गई, वे ही हिंदी में अपने से बोलेंगे। लेकिन जब माइक आया और गुरु महाराज बोलना प्रारंभ किए तो बंगला में ही बहुत देर तक धारा प्रवाह बोलते रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह घटना 1977 ईस्वी की है। मैं 1957 में गुरु महाराज की सेवा में आया था, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी गुरु महाराज को न एक शब्द बंगला लिखते हुए देखा था, न एक शब्द बंगला बोलते हुए सुना था। संयोग से साथ में टेप रिकॉर्डर था, उस समय प्रवचन को टेप कर लिया गया था। बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करके शांति संदेश में छापा गया था। अनुवाद करने वाले को भी बड़ा आश्चर्य होता था। वे पूछते थे कि क्या गुरु महाराज बंगला पहले से जानते थे। वे कहते थे व्याकरण की दृष्टि से इसमें तनिक भी कहीं अशुद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञान कहाँ से आया। कबीर साहब ने कहा है, मैं मर्जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जा में वस्तु अनेक। मर्जीवा कहते हैं
डुबकी लगाने वाले को, गोताखोर को। बाहर संसार के समुद्र में डुबकी लगाने वाले मर्जीवा को नहीं, जो शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो क्या मिलता है? कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान मिलता है। कैसा ज्ञान? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, मोक्ष रूपी ज्ञान मिलता है जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। गुरु नानक देव जी शरीर के संबंध में कहते हैं, इस गुफा मह अखुड भंडारा, तिशु बीच बसे प्रभु अलख अपारा। उस भंडार में जो प्रवेश करते हैं उनको बाहर की डिग्री प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, बिना पढ़े वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जो अपने अंदर के त्रिकुटी महल में पहुंच जाते हैं उन्हें समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा सभी भाषा को जानने वाले हैं, उनको प्राप्त करने वाले जीव भी उन्हीं की तरह सर्वज्ञ हो जाते हैं। गुरु महाराज इसका नमूना दिखा गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।